अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू शाज़ीन ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग के अंदर भी मैंने आप लोगों को खाड़ी की कुछ कलेक्शन दिखाने, क्योंकि कुछ थोड़े से हो चुके थे हमारे फॉर्मल कपड़े जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, उसके अलावा अभी बहुत सारे और जो मैंने आप लोगों को दिखाने हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वाला ब्लॉग लेकर आती हूँ, जिसके अंदर आप लोग, क्योंकि खाड़ी की सेल तो ऑलरेडी लाइव है, वो चल रही है, तो आप लोग क्यों ना उसको अवेल कर सकें और फिर बेनिफिट आप लोग भी। इसी वजह से आज मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के अंदर काफ़ी स्टनिंग से आउटफिट्स दिखाऊंगी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी सीजन ऐसा है कि हमें यहाँ पे तो और स्टिल अभी तक इतनी ज्यादा गर्मी है कि लॉन के अलावा तो इंसान अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं सोच सकता कि आप क्या पहन सकें। तो इसी वजह से लॉन के ड्रेसेस जितने ज्यादा होंगे वो उतने ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि अभी अगर आप एक परचेज कर लेंगे तो नेक्स्ट सीजन आप लोगों के डेफिनेटली काम आएंगे। बट कुछ चीजें इस तरह से होती हैं दिमाग के अंदर, जैसे मेरे साथ होता है कि जो अभी वाली मैं परचेजिंग कर लूँ तो फिर नेक्स्ट ईयर मुझे उनको पहनने का वो वाला दिल नहीं कर रहा होता कि जितना मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं अभी उनको लेटेस्ट परचेज करके स्टिच करके पहनूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हर किसी के साथ ऑब्वियसली नहीं होती, कुछ कुछ लोगों के साथ होती है, तो इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मगर फिर इस तरह से आपको प्राइसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, तो फिर वो वाली जो फैसिलिटी होती है तो उसको भी ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स इसीलिए लगती है कि ताकि वो परचेज कर सके हर कोई। और इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत से कपड़े हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लेना ही सिर्फ सेल में चाहते हैं, तो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, जिसमें आप लोग घर बैठे भी इजीली शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि ओवरसीज हैं, तो ओवरसीज जो व्यूवर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें स्टोर के अंदर की लोकेशन, मतलब सिचुएशन दिखाएं, लोकेशन नहीं, तो ताकि हम लोग जो है वो देख सकें कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और सेल के अंदर क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सेल में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल स्टोर, तो इसी वजह से काफ़ी लोग ये डिमांड कर रहे होते हैं कि आप ज़रा हमें स्टोर की जो अंदर के हालात हैं वो ज़रा दिखाया करें, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सेल में बिल्कुल बेकार चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं होता, आउट ऑफ सीजन चीज़ें मिलती हैं आप लोगों को लास्ट ईयर की। बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा पहले हुआ करता था, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते थे जो अपनी अच्छी कलेक्शन को छुपा कर अपनी ओल्ड कलेक्शन के ऊपर सेल लगा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो काफ़ी सारे ब्रांड्स इसी तरह से कर रहे हैं कि अपनी लेटेस्ट कलेक्शन के ऊपर भी सेल लगा देते हैं। जैसे कि अगर वो लॉन्च लाइक समर्स में लॉन्च हुई, जैसे कि मार्च में हो गई या अप्रैल में लॉन्च हो गई, देन उसके बाद इन दिनों में जो कि अभी सीजन चल रहा है लाइक अक्टूबर चल रहा है, तो तब तक वो लोग उन्हीं अपनी न्यू कलेक्शन के ऊपर सेल लगा देते हैं और अपना जो लास्ट स्टॉक होता है उसको पूरा एंड कर देते हैं, जो कि समर क्लियरेंस सेल जिसको कहा जाता है, तो उसको पूरा वो क्लियर कर देते हैं। इसी तरह से अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है कि अगर आप लोग सेल से कुछ परचेज करना चाह रहे होते तो आप लोगों को लेटेस्ट कलेक्शन के ही ऊपर काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसका क्रेज कभी खत्म नहीं होगा, एंड इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस कि वो चलता ही रहेगा हमेशा। तो अब शॉपिंग की भी एक लिमिट होती है कि आप हर चीज हर वक्त नहीं परचेज कर सकते, मतलब जितने भी ड्रेसेस ले ले तो ऑब्वियसली एक लिमिट होगी कि आपने अपने बजट को देखते हुए चलना होता है, और आपको कुछ ऐसे आउटफिट्स होते हैं जो आपको पसंद आ जाते हैं एट दैट टाइम ऑफ शॉपिंग, तो फिर आप सोचते हैं कि अब इन ड्रेसेस के ऊपर जब सेल लगेगी तो हम इसको तब परचेज कर सकते हैं, मतलब ये आपके पास एक एज होता है परचेज करने वाला। तो इसी वजह से ये वीडियोज इसीलिए होती है ताकि आप लोग जो एंटायर कलेक्शन है और जो स्टोर के अंदर वो किस तरह से लग रहे होते हैं, क्योंकि लाइटिंग्स का काफी ज्यादा इशू होता है और काफी लोग कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि हमने जैसा ऑर्डर किया था हमें वैसी चीज रिसीव नहीं हुई, तो ये सारी चीजें इसी वजह से होती है। जब आप लोग फिजिकली उन चीजों को देख लेते हैं देन ऑब्वियसली आप लोगों का वो जो एक जिस तरह का लोगों के अंदर डर होता है कि हम ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते, ऑनलाइन शॉपिंग इज अ स्कैम, तो वो इस तरह से नहीं होता। स्कैम अगर आप किसी के थ्रू कर रहे हैं लाइक कोई जैसे कि फेक वेबसाइट्स बनी हुई होती है, अगर आप उन फेक वेबसाइट्स पर से ऑर्डर कर रहे हैं तो वहां पे तो ऑब्वियसली ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जहां पे आपके साथ स्कैम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग ऑथेंटिक जगहों से लाइक ऑथेंटिक सेलर्स होंगे या ऑथेंटिक वेबसाइट्स होंगी, तो आप अगर उनके थ्रू ले रहे हैं तो फिर आपको इस तरह की चीज के बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसमें यह कि आप लोग आराम से देख भी सकते हैं, आप पसंद कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग क्लियर हैं, आप लोग इजिली उसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑफ वाइट के अंदर भी हजारों शेड्स होते हैं, तो हमें कुछ ऐसे शेड्स होते हैं जो हमें अपने लिए पसंद नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं, जैसे क्रीम सा हो गया, बेज हो गया, तो उसमें बहुत सारी आपको पता है कलर्स के शेड्स होते हैं, तो इस वजह से इसी चीज़ों की डाउट्स रहते हैं हमेशा से। और अब तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया, अब तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, मगर मैं ऐसे अभी भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि डरते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करना बिल्कुल भी ईजी नहीं समझते, मगर मैं शुरू से मतलब इतने सालों से मैं कह सकती हूँ आप लोगों को आराम से मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी भी इस तरह से कोई स्कैम नहीं हुआ था कि मुझे कोई गलत चीज़ रिसीव हो, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किसको ट्रस्ट करना
करना चाहिए, मुझे कहाँ से परचेज करना चाहिए। और अगर ऑथेंटिक जगहों से भी आप लेते हैं तो कभी कभार कलर्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, जो कि वेबसाइट्स के ऊपर भी पिक्चर्स के नीचे लिखा हुआ होता है कि डिफरेंस थोड़ा सा स्लाइटली हो सकता है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, आई एम श्योर आपने को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में जो कि वो भी बहुत जबरदस्त होगा। वीडियो को लाइक करें, तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।